नमस्ते, हेमा फाउंडेशन में स्वागत है। जिस गति से कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है उसे कहते हैं प्रतिक्रिया की दर, और गति मुख्य रूप से चार कारकों पर निर्भर करती है। वो है प्रतिक्रिया की सांद्रता, अभिकारकों की भौतिक स्थिति, अभिकारक का सतह क्षेत्र और उत्प्रेरक उपयोग और प्रतिकारक का तापमान भी। प्रतिक्रिया दर वो गति है जिस पर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। प्रति इकाई समय में किसी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि और प्रति इकाई समय में किसी अभिकारक की सांद्रता में कमी के अनुपातिक के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रतिक्रिया दर नाटकीय रूप से भिन्न हो सकती है। प्रतिक्रिया जितनी अधिक संक्रेडित होगी, प्रतिक्रिया उतनी ही तेज होगी, प्रतिक्रियाशील कणों के बीच अधिक टकराव के कारण। इसी प्रकार तापमान, प्रतिक्रिया की प्रकृति सभी गति को प्रभावित करती है। पाउडर ब्लॉक की तुलना में तेजी से प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया करने वाले पदार्थों का सतह क्षेत्र जितना बड़ा होता है, प्रतिक्रिया उतनी ही तेज होती है, उत्प्रेरक दर को बढ़ाता है। अब यहाँ पर करुणा का मूल्य कैसे दर्शाया गया है? करुणा कोई स्वतंत्र भावना या मूल्य नहीं है जो किसी व्यक्ति के चरित्र को परिभाषित करने के लिए अकेली खड़ी हो। करुणा के साथ साथ सहायक मूल्य है दयालुता, चिंता, देखभाल, प्रेम आदि। करुणा को हम रासायनिक प्रतिक्रिया की दर कह सकते हैं या उसके बराबर कह सकते हैं। ये रासायनिक प्रतिक्रिया हमारे मन में होती है, जहाँ करुणा की गति होती है। ये गति अन्य मूल्यों पर निर्भर करती है जिसके साथ हमें कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। देखभाल, चिंता, प्रेम आदि अन्य भावनाएं हैं जो करुणा को प्रेरित करती हैं। अर्थात जब भी चिंता, देखभाल या प्रेम, स्नेह होता है तो करुणा की दर बढ़ जाती है। ये सभी हमारे मन में मौजूद होती हैं। हमारे कार्य इन सभी मूल्यों पर निर्भर करते हैं। जिस प्रकार प्रतिक्रिया की गति कई कारकों पर निर्भर होती है, उसी प्रकार करुणा की भावना को अपना अस्तित्व दिखाने के लिए उजागर करना आवश्यक है। तो जिस तरह से मनुष्य जरूरतमंदों के प्रति कार्य करता है और तेज होता है और होता जाता है। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।